कल तो राम गोपाल जी के परिवार ने यहाँ पर कीर्तन रखा था उनकी स्मृति में। परसों हम लोग सुन रहे थे कि हमारे पूर्वाचार्य जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दुनियावी दृष्टि से बड़े प्रभावशाली और आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े प्रभावशाली। दुनियावी दृष्टि से प्रभावशाली कैसे, वो जब कोई ग्रंथ लिख रहे होते या हरिनाम कर रहे होते हैं बाहर में बैठकर, और तब कोई तूफान आ जाए, हवा आ जाए तेज, या बड़ी जोर बारिश आ जाए, तो बारिश वो जो लिख रहे होते हैं ना वहां पर नहीं गिरती थी, आसपास गिरती थी चारों तरफ, वहां पर नहीं गिरती। एक तेज हवा ने से भी उसका जो पहले ताल पत्र में लिखते थे एक पत्र उड़ता भी नहीं था, ऐसे प्रभावशाली थे वो। और स्पिरिचुअली प्रभावशाली कैसे, जितने भी भक्त हम जितने भी भक्तों के नाम सुनते हैं हम, शांत रस के भक्त, दास रस के भक्त, सख्य रस के भक्त, मतलब जिनके नाम बड़े प्रसिद्ध है, जैसे हनुमान जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, अर्जुन का नाम बड़े प्रसिद्ध है, उद्धव का नाम बड़े प्रसिद्ध है, नंद महाराज, यशोदा जी का नाम प्रसिद्ध है, उनसे भी श्रेष्ठ थे वो, मधुर रस के पार किए भाव के भक्त थे वो, सीनियरिटी के हिसाब से। वैसे तो चैतन्य चरितामृत में लिखा, जार जय रस से सर्वोत्तम विचार करिले अच्छे तारतम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते, जिसको जो रस मिला, जिसको दास रस मिला, सख्य रस मिला, उसी में इतना आनंद है, क्योंकि भगवान है ना वहां पर, सर्वानंद परमानंद भगवान है। मतलब ये नहीं कि दास वाले को कम आनंद है तो मधुर वाले को ज्यादा आनंद है, ऐसा कुछ नहीं। दास वाले के पास भी कृष्ण है तो मधुर रस वाले के पास कृष्ण है। तो कहते जार जय रस से सर्वोत्तम, जिसके पास जो रस है वो उसी में आनंद में रहते हैं। विचार करीले आचे तारतम, कहते अगर विचार करेंगे कौन सा श्रेष्ठ, कौन सा और ज्यादा श्रेष्ठ रस, तब कहते तारतम्यता है, नहीं तो कोई तारतम्यता नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अगर आपको भगवान का साक्षात्कार करना है तो क्या करें, गुरु अष्टक का पाठ करें। परसों सुन रहे थे, कब पाठ करें, ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले, 1 घंटा 36 मिनट पहले उस टाइम पीरियड में, और प्रयत्नात्, प्रयत्नात् का अर्थ हमारे गौड़ीय भक्तों ने किया, पूरे सुर के साथ ताल के साथ। तो परसों बता रहा था कि हमारे कई मठ के शिष्य लोग है ना, तिलक लगाते लगाते बोल लेते हैं है ना, तिलक संसार दावा न ललित लोग त्रणाय कारुण्य घन घन तुम प्राप्त से कल्याण गुणान वश्य वंदे गुरु श्री, ऐसे बोलते रहते। चलो नहीं बोलते तो उससे तो अच्छा बोलते तो हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते बढ़िया हो, आराम से गुरु जी का स्तव करे है ना, संसार दावा नलली ढलो का त्राणाया कारुण्या घना घना तुम प्राप्त से कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यमनसोरसेना रोमाञ्चकं पश्यन् चतुरङ्गभोजो वन्दे गुरुश्रीचरणरविन्दम्। इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, पूरे प्यार से, सुर से, ताल से करें है ना।
जैसे हरिनाम चिंतामणि में चैतन्य महाप्रभु जी और हरिदास ठाकुर की बातचीत है, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं जो संख्या पूर्वक आप हरिनाम करते हो करते रहो, जब कभी आपको लगे कि अब मैं इतना तो कर लेता और ज्यादा कर सकता हूं, तो कहते हरिदास ठाकुर कहते हरिनाम की संख्या बढ़ाने के लिए उतना उतावलापन न करके हरिनाम की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, है ना। जैसे मान लो हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, ऐसे कर टाइम मिला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोले। ऐसे क्यों करें? क्योंकि हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा ये महामंत्र जो है संबोधनात्मक मंत्र है। संबोधन होता है जैसे किसी को बुलाना, ये संबोधनात्मक मंत्र है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम बीरचंद्र है, बीरचंद्र प्रभु जी, ऐसे बुलाते, तो ऐसे संबोधन करते भगवान को महामंत्र से, राधा जी को कृष्ण जी को, तो ऐसे संबोधनात्मक मंत्र है, आराम आराम से करें। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संख्या पूर्वक हरिनाम करें, क्योंकि जब आपको लगे कि अभी टाइम और ज्यादा है कर सकते हैं, तो कहते हैं संख्या न बढ़ा के उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं, आराम से करें। और क्वालिटी को बढ़ाना क्या होता है? उस महामंत्र को बेचे नहीं, माने भगवान देखो रोज 16 माला करता हूं, है ना, कम से कम एक कार तो दिलवा दो मेरे को, कब से कर रहा हूं 16 माला, बिके क्या हो? तो बेचना नहीं, मतलब उसके बदले कुछ मांगना नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये महामंत्र, ये जो गुरु अष्टकम है, इसको करें ब्रह्म मुहूर्त। यस्ते न वृंदावन नाथ साक्षात सेवै वलाभ्या जन संत। कहते ये मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बड़े प्यार से प्रयत्न के साथ सुरताल के साथ इस गुरु अष्टकम को गाएं, तो कहते मैं इसकी गारंटी देता हूं जब आप इस शरीर को छोड़ के जाओगे तो साक्षात राधा माधव जी की गोलोक धाम में सेवा मिलेगी आपको। श्रीमद गुरु अष्टकिमेत दुच्चई उच्चई, मैंने उच्च स्वर से ब्रह्म मुहूर्त पठती यत्नात या प्रयत्नात। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से ये महा गुरु अष्टकम पाठ करेंगे तो श्रीमद गुरु अष्टकिमेत दुच्चे ब्रह्म मुहूर्त पठती यत्नात यस्ते न वृंदावन नाथ। आपके इस प्रयत्न को, इस यत्न को देखकर जब आपका जीवन समाप्त होगा, जब भी, तो साक्षात गोलोक धाम में राधा माधव जी से। ये कौन कह रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो दुनियावी दृष्टि से बड़े प्रभावशाली है और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभावशाली है। अरे एक बात बोलो, सुबह सुबह मम्मी डैडी सो रहे हो, संसार दावा नलाली डालोगा तारागारुण्यकारा घरा, तब मम्मी डैडी कहेंगे कहां से मंत्र लेके आए यार ये। घर का कोई परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुरु महाराज जी ने हमारे हर तरह की लीला करके दिखाई है। कलकत्ता में गुरु महाराज जी कहते हैं, डॉक्टर ने मेरे को ना जोर से बोलने के लिए, जोर से कीर्तन करने के लिए मना किया है, और नृत्य करने के लिए बिल्कुल मना किया। जैसे वो स्टैंड डल गए थे ना, तो गुरु जी कहते हैं लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं रोज जोर जोर से कीर्तन करता हूं और खूब नृत्य करता हूं। हम लोग को बोले गुरुजी, हमने सोचा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई, मतलब गुरुजी कुंडी लगा के ही करते अंदर, है ना भाई, हमने तो यही सोचना था। तो हम चुपचाप बैठे, तो गुरुजी बोलते हैं मैं पता कैसे करता हूं, ऐसे बैठता हूं और मन मन में जोर जोर से कीर्तन करता हूं और खूब नृत्य करता हूं। गुरुजी कहते ये तो डॉक्टर को नहीं पता लगता कि मैं नृत्य कर रहा हूं कीर्तन, मतलब गुरु महाराज जी ने बताया
अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है, आसपास वैष्णव सो रहे हैं या बड़े सो रहे हैं, तब करना है। कैसे करना है? मन मन में, लेकिन उच्च स्वर से। समझ आया? कल तुम्हारे पापा आ जाए, महाराज क्या इसको बताया, इन्हें सुबह सोने देता है, सुबह सुबह शुरू हो जाता है सूर्योदय से पहले ही। तो ये गुरु अष्टकम इतना प्रभावशाली है, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं इसको अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले उच्च स्वर से पूरे ताल सुर के साथ गाएंगे, कहते इसकी गारंटी मेरी है कि तुमको साक्षात राधा माधव जी की सेवा गोलोकधाम में मिलेगी। हमारे सिद्धांति महाराज जी बहुत दूर दूर प्रचार करके आए, जहाँ ललिता जी का गांव है ना, ऊंचा गांव, उसके आसपास गए थे, वृंदावन गए थे, वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने किए। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कुछ समय के लिए हरि कथा करेंगे सिद्धांती महाराज जी। कॉर्डलेस में कहें ये जाएगा वहाँ तक। ब्रज में गए ऐसा सुना, प्यार तब कंप्लीट होता है जब 50% प्यार हो, 50% शासन हो, है ना, तभी तो प्यार कंप्लीट होता है, शासन और ताड़न। तो वहाँ पर मान मंदिर में बरसाना में, कभी मान मंदिर गए नहीं पर मान मंदिर चले गए, चार जगह हैं, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़। राधा रानी ने मान किया वहाँ पे बड़ी डांट पड़ी। किससे पड़ी? वहाँ के जो महंत होते हैं। और किस विषय पे डांट पड़ी? वो सब वैष्णव बैठे हुए थे, उनका प्रसाद हो गया था, तो मेरे साथ जो प्रभु जी थे हम रह गए, तो ना उनके कपड़े तेज लाल हैं। मैंने कहा प्रभु जी आप आगे हो जाओ, आप ऐसे लगते हो आप संत हो, मैं थोड़ा हल्के रंग के पहनता हूँ तो लगता नहीं हो कि मैं संत हूँ, ऐसे लगता है मैं पंडित हूँ। वो और शर्माए, कहते यार ये गाली गोली पड़ती है मेरे को आगे, अब वो खिला नहीं रहे। मैंने कहा भाई जो मर्जी हो, अब गाली पड़े या ना, राधा रानी के घर आए, अब खा के जाना है। वैसे हम बैठ गए बेशर्मों की तरह, वो डांटने लग गया। उन्होंने खूब डांटा, साथ वाले प्रभु जी बड़े विचलित हो गए। मैंने कहा प्रभु जी दुनिया में आप ये समझो करोड़ों गालियाँ हमारी ख़त्म हो गई, ये थोड़ी सी गाली इन राधा रानी के प्रेमी जनों से सुन लो आप, ये कोई बात नहीं। फिर वो कहते ठीक मतलब पहली बारी प्रसाद खाते खाते ना ताने पड़ रहे थे, डांट पड़ रही थी तो भी खा रहे थे, तो अच्छा लगा, प्रसाद खा के आए वहां पे जबरदस्ती। आज शिला कृष्ण केशव प्रभु जी का आविर्भाव है। कृष्ण केशव प्रभु जी शिला प्रभुपाद के निज जन, जब वो सातवीं कक्षा में थे तो 11 साल के थे, मायापुर गए गांव वालों के साथ, शिला प्रभुपाद जी के दर्शन किए, आज जिनका आविर्भाव है। छोटी सी एज, 11 साल की एज में क्या होता है, क्या समझता है बच्चा, क्या गुरु तत्व होता है उसको नहीं पता। पर उन्होंने बताया, जब मैंने शिला प्रभुपाद जी को 11 साल की एज में देखा, मैंने निश्चय ले लिया मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, और वहीं पर ही रह गए। शिला प्रभुपाद जी से हरिनाम लिया, दीक्षा ली। जब उनके पिताजी को पता चला कि बेटा वहां पर रह गया, तो पिताजी केशव प्रभु जी को लेने आए। और उस समय ना मायापुर परिक्रमा चल रही थी,
जब उन्होंने मायापुर परिक्रमा में देखा इतने साधु, इतने वैष्णव, और मठ में शिला प्रभुपाद के सेवकों का, शिला प्रभुपाद के शिष्यों का स्नेह देखा, प्रेम देखा, और उनके द्वारा आचरण किया गया हुआ शिक्षाओं को सुना, तो उन्होंने कहा अपने बेटे से, केशव मैं तुझे लेने आया था, पर मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां पे भाई दुनिया की बात ही नहीं होती, हर समय कथा कीर्तन, हर समय सतत कोई दुनिया की भोगों की चर्चा ही नहीं है, ये निरंतर भगवान की बातें करते हैं, मुझे तो ऐसी जगह का पता ही नहीं था, भक्ति नाम की कोई चीज होती है मुझे पता ही नहीं था। तब उन्होंने कहा केशव मैं इतना प्रभावित हूं कि तू तो छोटी उम्र में आ गया रे, मैं तो बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, अब इस उम्र में मैं क्या करूँ, मेरी जीवन की संध्या जाने वाली है, पर मैं चाहता हूँ शिला प्रभुपाद जी के चरणों में शरणागत हो जाऊँ। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा आप कैसे हो जाओगे शरणागत, आप तो मीट खाते हो, आप तो वाइन पीते हो, बेटे को तो पता है पिता क्या करता है, आप तो तंबाकू खाते हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं छोड़ दूंगा सारा, केशव शिला प्रभुपाद का इतना अट्रैक्शन हुआ कि केशव प्रभु अपने पिताजी को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या पता आप भावना में आके अभी शिष्यत्व तो ग्रहण कर रहे हो और कल को आप दोबारा ये सब खाने लग जाओ तो क्या होगा। जैसे हमारे मठ के हैं कई डिवोटी, सारे नहीं, कुछ नालायक भी होते हैं, कुछ लायक भी होते हैं, अभी तक चाय छोड़ नहीं पाते, है ना, माते जी चाय छोड़ दो, मुझे ठंड बहुत है, वो प्याज बाहर जाते हैं खा लेते हैं, तो क्यों नहीं छोड़ते, घुटने में दर्द बहुत है, तो ये सब बातें हरिनाम दीक्षा के पहले ही याद नहीं आती, ठंड बहुत लगनी है, घुटने बहुत दर्द होने हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा पिताजी अगर आपने कल से फिर से शुरू कर दिया, नहीं केशव ये विश्वास रख अपने पिता पर, शिला प्रभुपाद के दर्शन करके जो मुझे लगा ना कि जीवन में भक्ति ही सर्वोच्च वस्तु है वो मैं तुझे बता नहीं सकता। तब उन्होंने अगले दिन क्या किया, ज्यादा बहस नहीं की, सिर मुंडन करके आ गए, सिर मुंडन करके वहां बैठ गए, और प्रभुपाद को पता चला ये जो लड़का मेरे पास 11 साल का रह रहा है इसके पिताजी हरिनाम लेने आए हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, दृढ़ता ही हरि नाम का सर्वप्रथम संकेत है, इस व्यक्ति को हरि नाम देना ये पता कैसे चलेगा, दृढ़ता। शिला भागवत गोस्वामी महाराज के पास एक आया फौरन से, एंड ई सेड कि महाराज मैं फौरन से आया हूं आपसे हरि नाम लेने। तो महाराज कहते ये मस्तक मुंडन करना पड़ेगा और ये कहते महाराज सब हो जाएगा, मैं ये नहीं हटा सकता। महाराज क्या बोले, तो ये नहीं हटा सकता तो और बाकी क्या हटाएगा, ये तो दोबारा आ जाएगा। नहीं कहते मारे ये नहीं हटेगा, ये तो नहीं हटेगा। तो इस टॉपिक पे वो, मैं नाम ले लूंगा, हमारे मठ के एक शिष्य थे, वो मायापुर गुरुजी के पास हरिनाम दीक्षा लेने गए, और आपको पता है कि दीक्षा का रूल है, हरिनाम का रूल है कि आपने अपना शेव करना और मस्तक मुंडन करना, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो उन्होंने ना मुंडन कर दिया और मूछें हटा दी, और जो दृश्य उपस्थित हुआ जब वो रेलवे स्टेशन पे आए चंडीगढ़ में, कहते मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरी मूछें हटाने से, मेरी फाइव बिगड़ गई, तुसी साडे घर दी इज्जत बेच के आ गए, मूछ कहां गई। अरे मैंने कहा मूछें मेरी है, मेरे को प्रॉब्लम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, नहीं तूने मूछ कटा दी है, आज तक तुम्हें जब से शादी हुई है बिना मूछों के नहीं देखा मैंने। तो मूछ कटा के आ गए, ये तो खैर मजाक हुआ। दृढ़ता प्रथम लक्षण है हरि नाम का, पिताजी मुंडन करके आ गए, शिला प्रभुपाद ने कहा मैं इनको जरूर हरि नाम दूंगा, तब उन्होंने प्रभुपाद के चरणों में शरणागत हुए, और प्रभुपाद को कहा कि मेरा बेटा जहां पे है ना मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा बच्चा इसके बारे में मुझे कोई चिंता। और कृष्ण केशव प्रभु भगवान के निजजन कैसे हैं, जो भगवान के निजजन हैं हमारे परम आराध्य श्री माधव गोस्वामी महाराज,
श्रील माधव गोस्वामी महाराज सर्वप्रथम संन्यास नहीं लेना चाहते थे, एंड वो रीजन क्या है संन्यास नहीं लेने का, आप हैरान हो जाओगे क्यों नहीं संन्यास लेना चाहते थे। बाकी जन निष्किंचन महाराज से पूछा आप संन्यास क्यों नहीं लेना चाहते, बाकियों से यावर गोस्वामी महाराज क्यों नहीं संन्यास लेना चाहते, सबका अलग अलग आंसर। और बेसिकली ये आंसर होता है संन्यास को संभालना बड़ा मुश्किल है, संन्यास का धर्म बड़ा कठोर है। माधव गोस्वामी महाराज क्यों संन्यास नहीं लेना चाहते आप सुन के हैरान हो जाओगे। जब माधव गोस्वामी महाराज जी का एक अद्भुत गुण है कि बहुत अच्छे कलेक्टर थे, इतने कम सालों में माधव गोस्वामी महाराज ने खरबों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। आज इस चंडीगढ़ में ये खरबों की प्रॉपर्टी है, ये मतलब अरबों की प्रॉपर्टी होगी, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी ये, और अच्छे अच्छे बिलीनियर्स ये जगह नहीं बना ले सकते अब के समय में गार्डन के बीच में। और एक नहीं कितनी जगहों पर परम गुरुजी ने कुछ सालों में इतने बड़े बड़े मठ खड़े कर दिए, क्योंकि परम गुरुजी का एक गुण था, बहुत अच्छे कलेक्टर थे। तो परम गुरुजी जब कलेक्शन करते हैं, जब उनसे पूछा संन्यास लो, प्रभुपाद की इच्छा है, प्रभुपाद ने भी कहा, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, देखो क्या आंसर है, कहते प्रभुपाद जब मैं कलेक्शन करने जाता हूं ना, तो मैं अपने साथ पढ़े लिखे यंग बच्चे ले जाता हूं अपने से छोटी एज के, और मैं उनको बोलता हूं तुम सब मेरे साथ जाना, नीचे नहीं बैठना, साथ में बैठना, नीचे बिल्कुल नहीं बैठना, क्योंकि माधव गोस्वामी महाराज बड़े हैं, मर्यादा होती है, नीचे वो नीचे बैठ, कहते नीचे नहीं ऊपर बैठना। तो कहते वो जब छोटे छोटे मतलब यंग बच्चे जब वो बैठते हैं पढ़े लिखे, तो मैं सबके बीच में जिसके पास कलेक्शन लेने जा, उनको बोलता हूँ देखो शिला प्रभुपाद ये उनके शिष्य कितने पढ़े लिखे हैं, इस छोटी सी उम्र में दुनिया को त्याग करके ये प्रभुपाद के चरणों में आए। कहते जब मेरा संन्यास हो जाएगा तो कहते उनकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी मेरे साथ साथ में बैठने की, तो मैं कैसे सेवा कर, उनको सेवा की चिंता है माधव गोस्वामी महाराज को, संन्यास की चिंता नहीं है, संन्यास की चिंता नहीं है। तो कई बार संन्यास के नेम की लिस्ट ही बड़ी लंबी हो जाती है मायापुर में, इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है संन्यास के नामों की, नहीं कोई संन्यास सेवा ना रोके शिला प्रभुपाद। वो संन्यास जिसको शिला माधव गोस्वामी महाराज लेना नहीं चाहते, वो क्यों लिया, शिला कृष्ण केशव प्रभु जी के आग्रह पर। जब चैतन्य मठ से अलग हुए तो कृष्ण केशव प्रभु जी ने हमारे माधव गोस्वामी महाराज जी को कहा, महाराज अगर आप प्रभु जी थे, अगर आप संन्यास नहीं लोगे तो ये इतना बड़ा संस्थान जो आप बना रहे हो ये चलेगा कैसे, आप प्रचार कैसे करोगे। कृष्ण केशव प्रभु जी जो है ना वो प्रेरक हैं श्रील माधव गोस्वामी महाराज के। मैं तो सोचा था महाराज जी सारी कथा मुझे देख के चले गए, मैं बड़ा खुश हो रहा था वापिस आ गए महाराज जी का मेरे को बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आज की कथा में, क्योंकि कृष्ण केशव प्रभु शिला विष्णु महाराज जी के भी शिक्षा गुरु हैं, और महाराज जी को उनके जीवन में बहुत अहम शिक्षाएं उन्होंने दी हैं टाइम टाइम पे। जिन माधव गोस्वामी महाराज को कृष्ण केशव प्रभु ने समझाया, उन कृष्ण केशव प्रभु जी के दर्शन और उनका मार्ग निर्देशन शिला विष्णु महाराज जी को भी मिला। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो महाराज कहेंगे भगवान की बात करो। महाराज जी ने प्रभुपाद के बहुत शिष्यों के दर्शन किए हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों के दर्शन, उनसे बात करना और उनकी सेवा, ये सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिला, मरने के बाद मिलेगा। जैसे सुनीति ने कहा, किसको कहा है, सुरुचि ने, सुरुचि ने किसको कहा, ध्रुव को, मर तू मर जा, मर के मेरे गर्भ में आ तब बैठना यहां पर, इतनी बड़ी बात, तेरा सौभाग्य नहीं है, हमारा इतना सौभाग्य कम हुआ पर इतना। ऐसा एक बात जो कृष्ण केशव प्रभु जी ना ऐसे मतलब बहुत ज्यादा गूढ़ श्लोकों में ज्यादा बात नहीं करते थे, तो वो एक बार कथा उन्होंने कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ दिया, थोड़ा हल्ला मच गया,
हल्ला मच गया। तो फिर शिला आगे जब उनको अगले दिन माइक दिया, कहते आपने ऐसी बात कर दी, कहते यहाँ तो आपकी बहुत शिकायतें आ गई। कहते भाई आपने मुझे टाइम इतना, जितनी आप वंदना करते हो इतना मेरे को टाइम दे रहे हो। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल पता क्या दिया, एग्जाम्पल ऐसे देते हो, महाराज जी के पास तो ऐसे कई एग्जाम्पलों के ढेर हैं। उन्होंने कहा आपने मुझे कैसा समय दिया, कहते क्या कम समय दिया आपको, कहते आपने मुझको ऐसा समय दिया जैसे दीवार पे किसी पेंटर से को कहा गया, और लोग बड़े परेशान होते हैं ना चंडीगढ़ में, यहाँ पेशाब मत कीजिए ऐसे लिख देते हैं ना, तो पेंटर को बोला भी यहाँ पे लिख, लोग आके यहाँ पे ये कर देते हैं, हमें तो बड़ी परेशानी होगी। तो बंगला में लिखना था एखोने पेशाब कोरिबेन ना, ना लिखना था लास्ट में। तो शाम होगी, पेंटर ने लिख दिया एखोने पेशाब कोरिबेन। तो मालिक कहता है यार रात से लाइनें लगनी शुरू होगी, सुबह तक लाइनें नहीं खत्म हो रही। कहते हुआ क्या प्रॉब्लम, कहते इधर आ तूने क्या लिखा यहाँ पे, कहते मैंने ये लिखना था एखाने पेशाब कोरिबेन ना। तो ना कहते मेरे पापा आके लिखेंगे, तूने ना क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। कहते शाम हो गई, ना मैं अगले दिन, मेरी तो दिहाड़ी 5 बजे तक की है, मैं ना अगले दिन लिखूंगा, ये हालत। तो कहते आप मेरे को कहते हो कि पूरी कथा कर, अरे कथा कैसे करूं, 5 मिनट मेरे को दे रहे हो, अब मेरे से सुनो। तब उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य खंड का श्लोक बोला, जखन है वियोग, जखन है वियोग, योग की और वियोग की डेफिनेशन दी, और वियोग है ले जियाए ना जाए, इसकी डेफिनेशन उन्होंने दी। और एक लास्ट लाइन जो मैंने महाराज जी के मुखारविंद से सुनी और जो हमारे बड़े काम आई मठ में, महाराज जी ने वो कथा में बोली और वो हमारे हृदय में बैठ गई डायरेक्ट। हमने शिला कृष्ण केशव प्रभु जी के दर्शन और उनसे डायरेक्ट ऐसी श्रवण ने किया, और महाराज ने जो बोला ना वो छप गया, क्योंकि वो ऐसी देशी भाषा में था ना, सरल में। कृष्ण केशव प्रभु कहते थे मठ में रहना है ना अपने गुरु जी का मुंह देख के रहना, अगर मठ में रहना चाहते हो। ये सिर्फ मठवासी के लिए नहीं है, ये ग्रस्त के लिए भी है। अगर वो अपने भक्ति जीवन में रहना चाहता है तो अपने गुरु जी का मुंह देख के जिए। इसका अर्थ क्या है कि गुरु जी की फोटो कमरे में लगा ले, बेड के सामने लगा ले, अपने पर्स में रख ले, बार बार गुरु जी को देखता रहे फोन में। उनका कहने का मतलब था जीवन में कितनी ही विकट परिस्थिति आ जाए, गुरु जी का मुख देख के जियोगे ना, हिलोगे नहीं। और दूसरी ये बात, अगर तुम अपने गुरु जी का मुंह नहीं देखोगे ना तो किसी ना किसी का मुंह देख के आगे चलते रहोगे, और बहुत बड़ा चांस है कि तुम भक्ति मार्ग से गिर जाओ। जब गुरु जी का चेहरा नहीं होगा ना सामने, किसी और को आदर्श बनाओगे ना, तो बहुत बड़ा रिस्क है गिरने का। क्यों रिस्क है, कितनी गहरी बात कर दी उन्होंने, क्यों रिस्क है, क्योंकि जीवन में भक्ति मार्ग में किसी का सपोर्ट लिए हम नहीं चल सकते। कोई प्रभु जी, कोई वैष्णव, कोई शिक्षा गुरु होगा ही होगा, पर उन्होंने क्या कहा कि गुरु जी कभी पतित होने वाले जीव नहीं है, वो अपतित है, पर जिनको हम आदर्श बनाएंगे, देयर में बी चांस इन द फ्यूचर ही मे फॉल डाउन एंड हम भी गिर जाएंगे। जब वो गिरेगा हम भी गिरेंगे, और जब वो उठेगा हम भी उठेंगे। जब उसको भक्ति में उत्साह आएगा, क्योंकि वो बाउंडेड सोल है, वो बद्ध जीव है, हमने उसको आदर्श बनाया है, उसकी वाइब्रेशन हम में आ रही है, जब वो उठेगा तब हम उठेंगे, जब वो गिरेगा हम गिरेंगे। पर जब गुरु जी को आदर्श बनाएंगे, गुरु जी अपतित हैं, अपतित, कभी गुरु जी ना गिरे थे ना गिरेंगे, और ना हम उनका चेहरा देखेंगे, हम हमेशा चलते ही रहेंगे, गिर नहीं सकते। ये महाराज जी शिला भक्ति, शिला कृष्ण केशव प्रभुर शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पावन श्रील गुरु महाराज की जय। गुरुवाष्टकम गुरुदेवाष्टकम के बारे में हम सुन रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसकी व्याख्या हम लोगों ने परसों सुनी थी कि संसार में दावा नल की तरह आग लगी हुई है, सब इसमें जल रहे हैं और ये दावा नल जब लग जाती है जंगल में, फॉरेस्ट फायर जब लग जाती है तो अगर बारिश आ जाए तो फिर वो बुझती है, नहीं तो बुझती नहीं है। तो कहते यहाँ पर भी गुरु जी की कृपा अगर हो, गुरु जी की कृपा की बरसात हो तो ये दावा नल में जो हम जल रहे हैं तो बच सकते हैं, इतनी बच सकते हैं। सभी जल रहे, कोई बुरी तरह से जल रहे, कोई सेक खा रहे है ना। हमारे निष्किंचन महाराज जी बोलते थे, आग के पास बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। चलो खैर तुम कपड़े बचाते रहोगे मगर सेक तो तुम खाते रहोगे, है ना। कोई कोई जल रहे हैं और कई के सेक से। अगर गुरु जी की कृपा रूपी बरसात हो जाए तो सारा संसार दावानल समाप्त हो जाएगा। फिर लिखते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र मादंग मनसो रसे। गुरु महाराज क्या रसास्वादन करते हैं, महाप्रभु जी ने जो कीर्तन नृत्य गीत ये दिखाया ना, इसका रसास्वादन करते रहते हैं। और जब इसका रसास्वादन करते रोमांच कंप अश्रु इस सारे के सारे का गुरु जी के शरीर में देखा जाता है। जो जो गुरुजी के साथ रहे ना, या यूट्यूब में जब गुरुजी का कीर्तन देखो, जब गुरुजी वो गाते ना जय दाव ऐसे हृदय ठंड पड़ जाती है ना। और जब बोलते ना श्रीवास पंडितेर जय दाव ऐसे ना, ऐसे जान ना हलक में आ जाती है। ऐसे गुरु महाराज जी जब गाते थे, गुरु जी को कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं रहती थी गुरु जी को कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहां पर चार लोग खड़े हैं या 4000 लोग खड़े हैं। गुरु जी अपने भाव में गाते थे। इवन कई बार ऐसा भी देखा गया, गुरु जी भाव में कीर्तन कर रहे हैं, ये जो कपड़ा है ना ये खुल जाता था, फिर सेवक लोग उसको ऐसे ऐसे करके उसको, गुरुजी को परवाह ही नहीं कि कपड़ा खुल रहा है, गुरुजी मतलब एक अलग ही भाव में रहते।
हमारे मायापुर के मठ इंचार्ज जो पहले थे तिदंडी स्वामी शिष्य भक्ति रक्षक नारायण महाराज, वो कहा करते थे, कहते लंबे समय तक मैं तीर्थ महाराज के साथ रहा हूं, कहते मैं अनुभव करता हूं कि जिस समय वो जय दाव गाते ना, गदाधर पंडितेर जय दाव से अद्वैत आचार्य जगत, कहते बिल्कुल वो पंचतत्व उनके सामने होते हैं और उनका जयगान कर रहे होते हो, उनको नहीं परवाती दुनिया की। अगर आप लोगों ने कभी गुरुजी के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा या नवदी धाम परिक्रमा करी हो तो गुरुजी कैसे चलते थे, एक ही चाल में चलते रहते थे। वो आगे पथरीला रास्ता है कि कांटे वाला रास्ता है कि मिट्टी वाला रास्ता है या सड़क गर्म है, गुरुजी बिल्कुल एक चाल में अपने भाव में चलते रहते थे, चलते रहते थे। ये मतलब प्रत्यक्ष जिन्होंने जिन्होंने गुरु साथ परिक्रमा की उन्होंने दर्शन किया हुआ है ना। हम लोग परिक्रमा कैसे करते, देखते घास किधर है उधर से जाएंगे, है ना सड़क गरम इधर है तो उधर से कोने कोने से निकलेंगे। गुरुजी बिल्कुल ऐसे सीधा चलते रहते। और क्या गुरुजी ध्यान देते थे, तेरे आगे चल रहे होते हैं तो गुरुजी दो चीज पे ध्यान देते थे, एक उनसे आगे कौन कौन चल रहे हैं, माने वो अपने गुरुवर को आगे रख के चलते थे, एक बार गुरुजी को पूछा किसी ने, महाराज पहले पुरी को सभी महाराज जी आगे चलते थे उनके पीछे पीछे आप चलते थे, त्रिविक्रम महाराज चलते थे उनके पीछे पीछे, अभी तो दोनों नहीं है फिर आप किनके पीछे चलते हो, तो गुरुजी कहते वो सामने देखो, सामने है ना, पर सामने क्या है, वो चैतन्य गौड़ी मठ का बैनर चल रहा है ना, हम चैतन्य गौड़ी मठ के पीछे पीछे चल रहे हैं अनुगत्य भाव। एक गुरुजी ये ध्यान देते थे, गुरुवर्ग से आगे नहीं जाते थे, बैनर से आगे नहीं जाते थे, और दूसरा जो कीर्तन कर रहे ना पीछे गुरुजी उस पर पूरा ध्यान देते थे, जैसे कीर्तन थोड़ा ढीला होगा तो ढीला कीर्तन गुरुजी को पसंद नहीं था, जब ढीला कीर्तन होने लगा थोड़ा होने लगता था भाई परिक्रमा के लिए सुबह निकले 5 बजे सारा दिन कीर्तन, शाम के 7-8 बजे तो थके जाते कीर्तन करने वाले, तो गुरुजी जैसे देखे ढीला कीर्तन हो रहा ना अपनी चाल को थोड़ी धीमा करेंगे तो वो कीर्तन वाले आगे आ जाते, फिर जो कीर्तन कर रहा होता था गुरुजी उसको बोलते थे थोड़ा कीर्तन मैं करूँगा, फिर गुरुजी उच्च स्वर से कीर्तन में, गुरुजी जब कीर्तन करते सब नृत्य करते थे, आधा पौन घंटा कीर्तन नृत्य कीर्तन करते 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 ले जाएंगे, जब सबका कीर्तन में बहुत उत्साह हो गया फिर गुरुजी क्या करते थे, जिससे कीर्तन लिया था माइक लिया था उसको बोलते ये लोग आगे कीर्तन करो। तो गुरु महाराज रोमांच कंप अश्रु ये जो भगवत प्रेम के सिम्टम्स है ना ये गुरुजी के शरीर में सब लोग देख सकते थे, विशेष करके जिन्होंने गुरु महाराज जी को देखा होगा 1979, 80, 81, 82 इन सालों में, मतलब 79 शुरू में साल के शुरू में परम गुरु जी चले गए, मतलब विरह क्या होता है, गुरु जी का विरह क्या होता है, मतलब गुरु जी का विरह वो जाता ही नहीं था, हर समय गुरु महाराज जैसे वंदना करेंगे सक्षाद्वरिते न समस्त शास्त्र, वो अपने गुरुजी को याद कर रोने लग जाते थे, वंदना ही छूट जाती थी, विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं चीफ गेस्ट आए हुए हैं गुरुजी को कोई परवाह नहीं, वो अपने गुरुजी के भाव में डूब कर रहे थे, रोने ऐसे फूट फूट कर रहे थे जैसे बच्चे रोते। विरह क्या होता है अगर गुरुजी का अगर आपने देखना होना, हमारे श्रीकांत प्रभु जी जिनका संन्यास पर नीरी महाराज जी वो कीर्तन कर रहे हैं, किसी बहुत बड़ा हॉल है रशिया में रूस में वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं और गुरुजी अपने भाव में है, उस कीर्तन को देखो यूट्यूब पे कीर्तन है, या गुरुजी का एक वो है गुरुजी अपने गुरुजी कमरे में गुरुगत प्राण
हा गुरुदेव हा गुरुदेव, कैसा गुरु जी का भाव, अपने गुरु जी का विरह कैसा है। किसी ने वो वीडियो बना ली, गुरु जी को नहीं पता वीडियो बन रही क्या बन रही है। वो गुरुगत प्राण कभी देखना, मतलब ये प्रेम के जो सिम्टम्स है सारे गुरु जी में देखे जाते थे। हमारे केशव प्रभु की बात कर रहे थे सिद्धांती महाराज जी, ये बात केशव प्रभु को मैंने एक बार पूछा था, जो बात सिद्धांति महाराज जी ने बताई ना, मैंने केशव प्रभु को बोला, मैंने कहा महाराज, मैं उनको महाराज बोलता था, सभी प्रभु जी बोलते थे, मेरे दिल में उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट थी, मैं उनको महाराज बोलता था, मैं महाराज मैंने संकल्प लिया है कि इस जिंदगी में चाहे नालायक रहूं या सिद्ध पुरुष हो जाऊं, मठ छोड़ के जाऊंगा नहीं। तो आपको तो एक लंबा एक्सपीरियंस है मठवास का, मैं तो नया नया आया हूं। ये तब की बात है, मतलब उनको आए हुए, मेरे को आए हुए को 4 साल, 4.5 साल हुए तब, 1986-87 में। तो मैंने कहा मैंने ऐसे संकल्प लिया है जाऊंगा नहीं, तो आप मुझे बताएं कैसे मैं पूरी जिंदगी मठ में रह सकता हूं। तब उन्होंने ये बात बोली थी, अपना गुरु जी का मुख देख के रहना। अच्छा ये बंगला कहावत है, मुझे क्या पता, मैंने कहा कैसे गुरु जी का मुख देख के रहेंगे हर समय ना, मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। तब उन्होंने बोला था अगर आदर्श बनाना तो सिर्फ अपने गुरु जी को बस, और किसी को नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी मैं निष्किंचन मार्ग से ऐसा ऐसा सीखा हूं, सच्चिदान प्रभु से ऐसा ऐसा सीखा हूं, अनंग प्रभु से ऐसा ऐसा सीखा हूं, दीनार्थी प्रभु से ऐसा ऐसा सीखा हूं, बलभद्र उस समय के जो मठवासी थे उनसे। महाराज जी थोड़ा उनको कमरे में चले जाना, बाद में बात कर लेना, कथा में नहीं बोलो। तो मैंने कहा मैं इन महाराज लोग से, प्रभु जी लोग से इतना कुछ सीखा हूं। कहते मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निष्किंचन महाराज गलत है, कि सच्चिदान प्रभु गलत है, कि अनंग प्रभु गलत है, लेकिन ये याद रखो ये सारे साधक हैं। किसी की साधना बहुत अच्छी है, किसी की साधना कम अच्छी है, लेकिन है ये सारे साधक। तो कहते किसी की शरणागति 50% है, किसी की 90% 95% भी होगी, लेकिन 95% की वो बोले 5% कमी रह गई है। जिस दिन वो 5% वाली कमी तुम अपने आंखों से देखोगे ना, उस दिन तुम टूट जाओगे, उस दिन तुम बोलोगे मैं तो भगवान से भी ज्यादा इनको मानता था, और ये प्रभु जी या ये महाराज जी, इन्होंने मेरे को ऐसा बोला या इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो तुम टूट जाओगे। फिर उन्होंने बताया पतन कैसे होगा, कहते जिस प्रभु जी ने जो मतलब 95% की 97% की 99% शरणागत है, 1% शरणागति के कारण उसने जो गलती कर दी है, कहते उसके दिल में बड़ा पश्चाताप होगा, मैंने ऐसा गलत क्यों किया, मैंने ऐसे गलत व्यवहार क्यों किया। तो कहते वो जब तुलसी परिक्रमा के बारे में यहाँ पर कीर्तन कर, निताई गोरांगो कीर्तन करते नृत्य कर रहे होंगे वो, और नृत्य करते करते मन मन में बोल रहे होंगे वो, हे नित्यान प्रभु मैं आपकी खुशी के लिए खूब जोर जोर से कीर्तन करूंगा, मेरे अपराध को क्षमा कर, हे गौरांग महाप्रभु मैं आपकी खुशी के लिए खूब नृत्य करूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, बस आप मुझे ऐसी ताकत दे दोबारा मुझसे ऐसी गलती ना हो, बस मुझ पर ऐसी कृपा करें। वो मन मन में रोते रोते वो प्रार्थना करता रहेगा और नृत्य कीर्तन करता रहेगा। तो कहते क्योंकि वो 95, 97, 99% शरणागत है, भगवान उसको माफ कर देंगे और उसको ताकत देंगे, दोबारा उससे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन कहते तुम जो दूर खड़े हो, तुम बोलोगे इसकी असलियत मैं जानता हूं, इसने मेरे को ऐसे हाथ लगाया था, इसने मेरे को ऐसा बोला था, इन्हने मेरे सामने ऐसा व्यवहार किया था, कहते तुम बोलोगे ये धूर्त है, उसको भगवान ने माफ कर दिया। जिन्हें गलती करी उसने तो रो रो के बोला, उसको तो माफ कर दिया, वो तो आगे प्रोग्रेस कर जाएगा, लेकिन तुम एक 99% शरणागत की जो तुम दिल से निंदा कर रहे हो ना, तुम्हारा पतन हो जाएगा। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली, तुम अकेले तो रहोगे नहीं,
उन्होंने बोला था हर एक के संपर्क में, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तीन चार लोग उसके बड़े क्लोज होते हैं। तुम उनको बोलोगे आज पता क्या हुआ, वो महाराज जी ने मेरे को ऐसा सा बोला, या वो महाराज जी ने मेरे सामने ऐसा सा किया, है ना। तो अपना दुखड़ा उनको सुनाओगे। जिन्होंने गलती करी उन्होंने तो पश्चाताप किया, भगवान से प्रार्थना की, वो तो आगे निकल गए। लेकिन तुम जो वैष्णव निंदा कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, एक को या दो को या चार को जो भी निंदा करो, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं साधक को आदर्श मत बनाओ अपना। कहते आदर्श बनाओ तुम अपने गुरुजी को, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी साधक नहीं है, तुम्हारा गुरुजी गोलोक धाम से आया हुआ है, वो कभी गलती नहीं करेंगे। इसलिए आदर्श बनाना, अगर तुम मठ में हमेशा रहना चाहते हो तो आदर्श सिर्फ अपने गुरु जी को बनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। तो जब मैंने केशव प्रभु जी को पूछा था कि मैंने संकल्प लिया कि मैं चाहे नलायक रहूं चाहे सिद्ध पुरुष हो जाऊं, मठ छोड़कर जाऊंगा नहीं, तो उन्होंने एक बात तो याली बताई थी। दूसरी बात उन्होंने कहा था, कहते मैं ये नहीं कहता हूं कि मठ से जा बाहर जाके पाप करो, लेकिन कहते ये एक दृढ़ संकल्प ले लो कि मठ की बाउंड्री के अंदर कोई पाप नहीं करना है। कहते ये मठ जो है ना, ये धाम है, ये चिन्मय है, ये तो एक तरह से सोचो महाप्रभु की गोद में बैठे हुए हैं हम। कहते जब तुम मठ के अंदर, मठ की बाउंड्री के अंदर पाप करोगे ना, ये धाम तुमको निकाल देगा। तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं मठ में रहूं, मैं रोज मठ में आया करूं, धाम ही नहीं तुमको आने देगा, धाम ही नहीं तुमको रखेगा। धाम अपराध होता है ना, जैसे नाम अपराध होता है, सेवा अपराध होता है, ऐसे धाम अपराध होता है। कहते धाम के चरणों में जब अपराध करोगे, धाम में जब तुम पाप करोगे ना, धाम तुमको निकाल देगा। तुम्हारी इच्छा होगी मैं मठ में रहूं, मैं मठ में आऊं, मैं मठ में बैठूं, धाम तुमको रखेगा नहीं। दूसरों की इच्छा होगी कि ये मठ में रहे, ये मठ में रहे, तुम नहीं रह पाओगे। इसलिए कहते अगर तुम चाहते हो सारी जिंदगी मठ में रहना, तो मठ की बाउंड्री के अंदर कोई पाप नहीं करना। मैं तो देखता हूं कई कई छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ शिक्षा देते है ना। काफी पुरानी बात है, ऐसे दो बच्चे पता नहीं क्या बहस कर रहे थे, मैं उधर जा रहा था, वो कहते हैं अरे कम से कम मंदिर में तो झूठ मत बोल। वो छोटा बच्चा उसको दूसरे को बोलता है, मैंने वो छोटे बच्चे से भी शिक्षा है कि मठ मंदिर में झूठ नहीं बोलते। तो केशव प्रभु बोलता कि मठ की बाउंड्री के अंदर पाप नहीं करना, ये उन्होंने बताया था। तीसरा जो हम अभी पूज्य बात बावन महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, थोड़ा सा तीसरा जो गुरु अष्टकम का श्लोक है उसको पढ़ें।
श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तत् मंदिर मार्जनादौ। श्री विग्रह माने ठाकुर जी, उनकी आराधना, उनकी जो सेवा पूजा नित्य होती है और नाना प्रकार से विभिन्न प्रकार से सेवा पूजा होती है। देखो ना, जो यहां पे ठाकुर जी हैं, एक तो पूजा है, आरती, उनको भोग लगाना, उनको ड्रेस पहनाना, ये उनको शयन देना, जगाना, ये तो है। इसके अलावा वो जो पुजारी जी आरती करेंगे तो कीर्तन करना, मृदंग बजाना, करताल बजाना, घंटी बजाना, तभी तो आरती पूरी होगी। कीर्तन के साथ, संकीर्तन के साथ कोई भी भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति पूरी नहीं होती है। फिर जो पुजारी जी भोग लगाएंगे, वैसे थोड़ी भोग लगाते, कोई रसोई तो करेगा, वो भी विग्रह सेवा है रसोई करना। फिर रसोई कैसे होगी, कोई बाजार से आटा दाल चावल तेल मसाला सब्जी लाएगा तभी तो होगी, वो भी सेवा है। फिर वो कैसे आएगा सामान, पैसे होंगे तभी तो आएगा, तो कोई कलेक्शन करेगा, पैसे कलेक्शन करेगा कि दान पात्र में पैसे डालेगा, है ना। तो इस तरह से श्री विग्रह की बहुत तरह की सेवाएं हैं। श्री विग्रह की महिमा बोलना, भगवान कृष्ण की महिमा बोलना, भगवान की महिमा सुनना, भगवान की महिमा लिखना, भगवान की महिमा प्रेस में उसको प्रिंट करवाना, है ना, भगवान की जो संबंधित भगवत गीता है, भागवत है, जो भी है, मैगजीन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बहुत तरह की सेवाएं हैं। तो यहाँ गुरु जी क्या करते हैं, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तत् मंदिर मार्जनादो। भगवान की जो मंदिर मार्जन इत्यादि जो बहुत तरह की सेवाएं हैं, उसमें क्या करते हैं, युक्तस्य भक्तस्य नियुञ्जतो। जो युक्त माने उपयुक्त जो भक्त हैं उनको उसमें नियुक्त करते हैं, है ना। सबका स्वभाव अलग अलग तरह का होता है ना, कई गंभीर स्वभाव के होते हैं, उनको ज्यादा इधर उधर जाना अच्छा नहीं लगता है ना। कई चंचल स्वभाव के होते, वो टिक ही नहीं समझेगी, सामने टिकते नहीं वो, है ना, अलग अलग तरह के। कई पढ़े लिखे होते, कई अनपढ़ होते, तो अलग अलग। किसी के अंदर शरीर ताकत बहुत ज्यादा होती है, किसी की शरीर ताकत बड़ी कम होती है। तो जो जहां पर उपयुक्त तो होता है उसको गुरुजी वहां पर फिट कर देते हैं। जैसे हमारे एक प्रभु जी थे मठ में, वो पहले ना कोयले के चूल्हे होते थे मठ में, दो रस्सी में दो वो दो कोयले के चूल्हे जला देंगे, है ना, और दो स्टोव जला देंगे, उसमें भी कुछ रख, उसमें चावल रख दें, उसमें दाल रख दें, सब्जी रख देंगे, उसमें खीर का दूध रख देंगे, और फटाफट उसको बनाएंगे, फटाफट आधे पौन घंटे में सारी रसोई बना के बाहर निकल जाते थे। तो उनको एक प्रभु जी ने बोला, आराम से बनाया करो यार, ये दूध को जरा काढ़ काढ़ के बनाया रास्ते थे। वो कहते जब मैं रसोई के अंदर जाता मुझे लगता कब बाहर जाऊँ, मैं चार चार पाँच चूल्हे जला के एक साथ बना के अब मैं बाहर निकल जाता हूँ। ऐसे तो जो इस तरह के हैं, चंचल स्वभाव के हैं ना, उनके हाथ में एक कॉपी पकड़ाओ, जाओ तुम कलेक्शन करके आओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ, है ना। अच्छा, कई कई हैं उनको बाहर जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, उनको मंदिर में रखो पूजा के लिए, है ना, मंदिर मार जाना, सब्जी सब्जी काटना। तो जो जहाँ पर उपयुक्त है ना, गुरु जी उसको वहाँ पर फिट करते हैं। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तत् मंदिर मार्जना दो। अच्छा, एक और बात है, हमारे जो गुरु महाराज जी ना, उसको हरेक, उनको हरेक सेवक का दर्द पता है कि ये जो सेवा कर रहा है ना, इसको इस पे क्या कष्ट है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने मठ में, मतलब हम लोग कितनी बाद में आए मठ में, गुरु जी 1947 में मठ में आए, है ना, हमने गुरु जी को 90, 92, 95 देखे, बर्तन धो रहे थे देहरादून में, कार्तिक मास, बर्तन धो रहे थे, माने गुरु जी ने बर्तन भी धोए हैं, गुरु जी ने रसोई भी करी है, गुरु महाराज जी ने
आरती भी करी है, पूजा भी करी है, गुरुजी ने कलेक्शन भी किया है, गुरुजी ने कथा भी करी है, गुरुजी ने कीर्तन भी किया है, गुरुजी ने कंस्ट्रक्शन भी कराई है, गुरुजी ने मठ के लिए जैसे वो अगरतला मठ, कृष्णनगर मठ, हमारा जगन्नाथपुरी मठ, उसके लिए कोर्ट केस भी लड़े, है ना। इसलिए उनको हर एक सेवक का, वहाँ पर जो सेवा कर उसको क्या कष्ट है उसको सब पता है। जैसे किसने कभी पूजा ना करी हो, है ना, उसको तुझको क्या परेशानी है, दो दो तीन टाइम तुमने ऐसे घंटे बजानी है, ऐसे आरती करते बस हो गया, तेरा 10 मिनट में आरती हो जाती है ना, उसको जरा अंदर घुसा के देखो मंदिर के अंदर, है ना, तो परेशान हो जाएगा ऐसे। तो गुरु महाराज जी देखते कौन सेवक कहाँ पर फिट बैठेगा, उसको वहां पर उसको उपयुक्त सेवा देते। इसलिए आप देखेंगे गुरु महाराज जी ने हर एक को पर्सनली उपदेश एक जैसी नहीं दिए, हर एक को अलग अलग तरह के उपदेश दिए। मेरे को गुरु महाराज जी ने एक दिन बोला कि वैष्णव की इच्छा है तुमको लाल कपड़ा देंगे, तो मेरे व्हाइट ड्रेस थी पहले। मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा जी मैं तो मठ में आ गया, अब लाल ड्रेस दो, काली ड्रेस दो, पीली ड्रेस दो, नीली ड्रेस दो, जो मर्जी दो, मैं तो मठ में आ गया। गुरुजी को पता नहीं ये स्वाभाविक आंसर अच्छा लगा। गुरुजी कहते आज ही 10 बजे फला फला जगह पे मंदिर के वहां पर आ जाना, तुमको लाल कपड़े देंगे। मैं पहुंच गया, गुरुजी ने ऐसे मुझे लाल कपड़े ऐसे पकड़ाए, मैंने हाथ में लिए, तो गुरुजी ने एक सेंटेंस बोला कि तुम इसका ध्यान रखना। मैं सुन के ऊपर से नीचे तक हिल गया। मैंने कहा यार ये वीकनेस थी मेरी, और ये मेरी वीकनेस किसी को नहीं पता, अंदरली वीकनेस है ये। तो मैंने आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं बोली, मेरे फ्रेंड सर्कल वालों को नहीं पता, मेरे मठ में वालों को नहीं पता। मैंने कहा गुरु जी ने यार ये बोला मेरे को, मैं कपड़े लेके कमरे में चला गया। मैं सोचने लगा यार गुरु जी ने मेरे को बोला। अच्छा बद्ध जीव है ना फिर अपने आइडियाज। मैंने कहा यार गुरु जी ने औरों को भी ऐसी बोला, मेरे मेरी कमी थी इसलिए मेरी चुप गई। तो मैंने फिर क्या किया, जिन जिन के लाल कपड़े हुए उनको मैंने पूछा आपको गुरु जी ने क्या बोला, लाल कपड़े देते आपको क्या बोला। मैं ये हैरान हो गया, गुरु महाराज जी ने एक जैसी बात बोली नहीं, हर ब्रह्मचारी को जिन जिन को लाल कर सबको अलग अलग बोला। और मैं देखता हूं जिसको जो बोला वो उसी को याद रख ले, वही बहुत है उसके लिए। ऐसे तो गुरु महाराज जी हमारे अंतर्यामी, उनको पता है कौन किस सेवा में फिट बैठ सकता है, उनको वहां पर फिट। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, कैसे श्रृंगार तत मंदिर मार्जनादो, युक्त जो उपयुक्त है, भक्ताश्च नियुंजतो भी उसको नियुक्त करते हैं। वंदे गुरु श्री चरण, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। अभी कुछ समय के लिए हमारे पूज्यपाद बामन महाराज जी हरिकथा सुनाएंगे, थोड़े समय के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सुनाएंगे ना, परमिंदर जी ने जो साग बनाया ना पर मक्की की रोटी ठंडी हो जाएगी, फिर ठंडे का टेस्ट नहीं आता। थोड़ी देर महाराज जी कथा करेंगे, उसके बाद आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, सभी लोग प्रसाद लेके जाना।